नंबर सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और इसके अगले टाइप्स को देखेंगे। यानी कि हमने इस पे चार टाइप्स देख लिया है, बाइनरी का डेसिमल में देख लिया, डेसिमल का बाइनरी में देख लिया है, और डेसिमल का ऑक्टल में देख लिया, और ऑक्टल का डेसिमल में देख लिया। चार हमने देख लिए। अब हमें जो अगला देखना है, यानी जो पाँचवा जो देखना है, वो देखना क्या, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। जो पाँचवा कन्वर्जन देखना है वो क्या देखना है, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। ये भी एकदम आसान होता है, ठीक है, ये भी एकदम आसान होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना। ये भी एकदम वैसे ही जैसे सब है वैसे ही, ये भी है, इसमें के लिए आपको कुछ नहीं परेशान होना है, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना। बस आपको यही याद रखना है ना कि वहाँ पे क्या था, जो हम लोग 11 को क्या लिख रहे थे, 10 को क्या लिख रहे थे, 12 को क्या लिख रहे थे, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आसान सा लेता हूँ, पहले पहले तो आसान ही लेता हूँ, 21 ले लेता हूँ, बेस 10 कन्वर्ट किस पे करना है, जिसका बेस क्या हो, 16 हो। अब बताइए 21 जैसे किससे, 21 है और किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को, जब किसी भी डेसिमल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में या ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है, तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसकी जितनी बेस होती है उसकी बेस से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 21 है, तो 21 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन को, हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 21 है हमारा, तो 21 को किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐसे करते हैं, 61 से करेंगे, सॉरी 16 से करेंगे। थोड़ा सा आसान मैंने ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 21 है तो ये दो बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 16 2 32 होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे वन टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पे इसको वन टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। तो 16 जाएगा इसमें से, और बचेगा कितना, 17 18 19 20 21, यहाँ हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, और ये जो हमारा हो जाएगा ये 1 और 5, बेस कितना होगा इसका, 16। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा एक अच्छे नंबर का लेते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा बड़े नंबर का लेके देखते हैं कि 21 वाला समझिएगा, अगर 21 वाला समझ आए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन क्या होता है, मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम और आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चंस तो कितने भी बड़े हों कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन तो फिर कितने भी बड़े हों कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुरंत तुरंत कर लेंगे। क्वेश्चंस तो कितने भी बड़े हों हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट कि कन्वर्ट 2482, कन्वर्ट 2482 टू बेस 10 इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में से कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे 16 से डिवाइड करेंगे, चूंकि इसका बेस कितना है, 16 है, इसका बेस कितना है, 16 है। तो क्या करेंगे, 2482 किससे कन्वर्ट करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 16 से, 16 से डिवाइड। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कठिन तो पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल ये 155 टाइम्स जाएगा, और जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर इसको आपने डिवाइड ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 24 है, सर 16 से एक बार जाएगा, ठीक है, और 16 पाई फाइव क्या होता है, 92 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा, जब यहाँ पर हमने 16 टाइम्स ले गए थे तो यहाँ हमारा 98 आया था, तो 16 95 होता है, यहाँ पे फिर 8 बचेगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में 2 रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। बात समझ में आई। अब हमारा क्या है, 155 है, तो सबको पता होगा 16 9 जै क्या होता है, 69 जै 144 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 टाइम्स ले जाएंगे और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 बचेगा। बात समझ में आ रही है। बस अब क्या हो गया, ये देखिए 9 तो छोटा आ गया ना 16 से, 9 क्या इज लेस देन 16 है। तो जब हमारा जो यहाँ पे डिविडेंड, जो हमारा जब कोसेंट है, अगर कोसेंट हमारा डिवाइजर से कम आ जाता है, यानी कि जब हमारा जो कोसेंट है वो क्या हो गया, डिवाइजर से कम आ गया, तो अब क्या होगा हमारे पास, हमें यहीं पे स्टॉप करना होगा डिवीजन, या तो फिर पॉइंट में आता, तो हमारे यहाँ क्या करना, हमारे पास हो गया यहाँ पे 9 11 और 2। और बताया था मैंने आपसे 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, 10 को ए लिखते हैं, तो 11 को बी लिखेंगे, तो 9 बी
और 2 की बेस 16। अब देख कितना आसान है, आसान है कि नहीं बोलिए भाई, आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है, बस क्या करना है हमें सोचना है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ऐसे ही और देखते हैं, ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। 462 को थोड़ा डिवाइड करिए, तो चलिए 462 का फटाफट करिए, तो बेस 10 को कन्वर्ट करिए आप किसमें, हेक्साडेसिमल में, चलिए कन्वर्ट करिए, चलिए कन्वर्ट करना है आपको, इसे आपको करना है, करिए करिए करिए, आइए करते हैं। 462 है, डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। अब बताइए जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 29 टाइम्स जाएगा, और जब ये 29 टाइम्स जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा, आपका रिमाइंडर 14 बचेगा। एक बार 16 से और कर दीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा बेचारा, एक ही बार जाएगा, यहाँ पे क्या होगा एक बार जाएगा, और जब यहाँ पे एक बार जाएगा तो अब यहाँ पे ये देखिए 16 एकम 16 होता है, 16 दस 26 और 3 13 होता है। हालांकि इसको मत लिखिए क्योंकि अभी आपको ये, हालांकि इसको आपको खुद से करना है, अभी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसको मैं पूरा बताऊंगा नहीं आपको, इसे आपको खुद से करना है, और खुद से करके इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट में करना है, आंसर कमेंट करिए इसका, और हम देखें ताकि आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, क्या करना है थोड़ा सा आपको खुद को भी सोचना है भाई, तो आपको अपने खुद के अपने ब्रेन का यूज़ करना है, और आपको प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे प्रैक्टिस करने हैं आपको, ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं, और आराम से आपको पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इसे बताना है, बाकी मैं इसको आपको, कोई दिक्कत हो तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमें इसका आंसर बताइए कमेंट में ताकि मैं समझ पाऊँ, और अब हम लोग जो आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट होगा और वो ही अंतिम होता है, जो क्या होता है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन, आइए देखते हैं।